एबन क्षेत्र के गांव कुरलकी के ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, देबन कोतवाली क्षेत्र के गांव कुरलकी के ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन देने वाले पहुंचे मोहित चौधरी ने बताया कि हमारे गांव में सड़कों का कोई विकास नहीं हो पा रहा है और गांव में गंदगी फैली हुई है। आरोप है कि ग्राम प्रधान इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने बताया गांव के शमशान घाट पर भी कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने बताया हमारे गांव में अभी टंकी का निर्माण हो रहा है। टंकी निर्माण में जितने भी कर्मचारी रखे गए हैं उन्हें अपने पक्ष के लोगों ही रख लिए हैं। मेरा नाम मोहित चौधरी है। समस्या ये है कि हमारे गांव में जो है एक तो सड़कों का कोई विकास नहीं हो पा रहा है और गांव के सभी रास्ते जो है गंदगी से भरे पड़े हैं। ग्राम प्रधान कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गांव के शमशान घाट का कोई विकास नहीं है। हमारे गांव में शमशान घाट में कोई छतरी नहीं है। जब बारिश होती है तो मुर्दे को फूंकने में बड़ी दिक्कत आती है। बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल ताजा समस्या ये है कि हमारे गांव में जो है अभी टंकी का निर्माण हो रहा है और उस टंकी के निर्माण में जितने भी उसने कर्मचारी है सारे अपने पक्ष के लगा लिए। एक पक्ष के लोगों को लगा लिया। ऐसा थोड़ा कि उसमें सिर्फ एक पक्ष के लोगों ने ओढ़ दी, पूरे गांव के सभी पक्षों ने ओढ़ दी। गांव के सभी एक एक दो दो लड़के सभी बिरादरियों से रखता। सिर्फ उसने दोनों पुत्रों को उसने टंकी में ऑपरेटर बना दिया, बाकी को जो है उसने उसमें और सहायक कार्य में लगा दिया है। तो इसमें हमारा जो निवेदन है, हमने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है कि इसमें कार्यवाही की जाए और निष्पक्ष कार्यवाही के आधार पर जो है गाँव का विकास किया जाए।